नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चाय बनाना सीखेंगे। उसका सामान है चाय बनाने का, अदरक है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, शक्कर है, चाय पत्ती है। आइए हम अब चाय बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस शुरू कर रहे हैं चाय बनाने के लिए। गैस को मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। चार जनों के लिए हम चाय बना रहे हैं। हम आधा चम्मच इसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं चार जनों के लिए चाय बनाने के लिए। कम लगे तो आपको और भी डाल सकते हैं कलर के लिए अभी ही, जिससे ये अच्छी तरह उबल जाए। जितने हम ये सारा सामान जो लिया था हमने, हम इसे कूट रहे हैं। इलायची, हम दो इलायची ले रहे हैं, लौंग ले रहे हैं चार पांच, काली मिर्च ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं। अब मैंने ये मसाला कूट के तैयार कर लिया। इस तरह हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये खोल जाए, इसके बाद हम तीन कप दूध डालेंगे इसमें, इसमें जिससे अच्छा कलर आए। ओके, चाय अच्छी तरह फुल होगी। थोड़ा सा ही खोल जाएगा तो हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप जितना मीठा पीना चाहते हैं अपने हिसाब से डाल लें। मैं तीन चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, तीन चम्मच शक्कर डाल रही हूँ मैं, और तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ। आप कूट के डालना चाहें तो साबुत भी इस तरह से डाल सकते हैं हाथों से। ये अच्छी तरह उबल कर तैयार हो जाएगी, जिससे धीरे आंच पर, जिससे अच्छा कलर आएगा चाय में। अब हम चाय को अच्छी तरह से खौलाएंगे, जिससे अच्छा बहुत कलर आएगा और अच्छी तरह दिखने में हमारी चाय बहुत अच्छी लगेगी। हम चाय को अच्छी तरह खौलाएंगे 10 मिनट तक धीमी आंच पर। चाय बनकर तैयार हो गई है। इसका देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। ये बनकर तैयार, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे छानेंगे। चाय बनकर हमारी तैयार हो गई है। चाय, अब जब आप चाय पियेंगे तो इसमें खुशबू भी आ रही है। इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची हमने सब कुछ डाला है, जिससे आपका गला, सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाएगा। और बहुत इसको पीने के बाद आपका सर दर्द भी सही हो जाएगा। और आप बहुत अच्छी चाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। के लिए वीडियो को धन्यवाद।